हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरूप घोष। तो गाइस आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके साइट का ट्रैफिक डाउन जा रहा है तो उसको आप जो इंक्रीज कर सकते हो, उसकी जो ग्राफ है उसको ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो। सिंपली गाइस यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरा जो एक साइट है और इसका ग्राफ जो कि यहाँ पे 27 मार्च देख सकते हो कि 424 ट्रैफिक आया था। अगले दिन 28 मार्च जो है 570 ट्रैफिक आया था। उसके अगले दिन 29 मार्च जो है 2970 यानी लगभग 3000 ट्रैफिक आया था। उसके बाद अगेन ट्रैफिक जो है धीरे 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 डाउन हो रहा है। मैं कुछ चेकलिस्ट बताऊंगा, इन सारे चेकलिस्ट को अगर आप लोग फॉलो कर सकते हो ना तो डेफिनेटली आपका ट्रैफिक इंक्रीज होगा और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हम आज ही कुछ सेटिंग कर दे सर्च कंसोल में या फिर ब्लॉग के अंदर या फिर एनालिटिक्स के अंदर और मेरा कल से जो ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप यहीं पर वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, लेकिन उन चेकलिस्ट को अगर आप फॉलो करेंगे जो चेकलिस्ट मैं हमेशा की तरह आप लोगों को बताता हूँ, वही चेकलिस्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके ट्रैफिक में जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा और आपके वेबसाइट का जो ट्रैफिक है ओवरऑल जो मतलब उनपे जो है इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका और भी डिटेल्स हम लोग देखेंगे, उन जो जो चेकलिस्ट है उन चेकलिस्ट में इन सारे डिटेल्स के बारे में बताया गया है। एक एक करके हम सारे चेकलिस्ट को सबसे पहले चेकआउट करते हैं। सो सिंपली गाइस यहाँ पे चेकलिस्ट का हमेशा की तरह यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है और ये लिस्ट आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि भाई ये लिस्ट जो है बेहद पसंद आता है हम लोगों को या फिर लिस्ट जो है जो आपने बनाते हुए बहुत बेकार सा लिस्ट जो आपने बनाते हो, ठीक है। वेल सो यहाँ पे एक एक करके 13 चेकलिस्ट मैंने बनाए, उन 13 चेकलिस्ट को आपको देखना पड़ेगा। इनमें से एक भी चेकलिस्ट को अगर आपने मिस करते हो तो शायद आपका काम नहीं बन पाएगा। जैसे नंबर वन, चेक सर्च कंसोल। सबसे पहला काम है कि अगर आपका साइट का ट्रैफिक डाउन हो गया तो आपको सबसे पहले आपकी सर्च कंसोल को चेकआउट करना है। क्या चेकआउट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च कंसोल पे गया और आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस में से आना है और यहाँ पे सर्च रिजल्ट के अंदर जाना है, कुछ मैट्रिक्स को चेक करना है। क्या चेक करना है, सबसे पहली बात यहाँ पे दोनों लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक लाइन डीप ब्लू है, जो डीप ब्लू लाइन है ये इंप्रेशंस का। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि इंप्रेशंस मेरा थोड़ा सा 30 मार्च को ज्यादा था, उसके बाद 31 मार्च में थोड़ा सा कम हुआ और उसके बाद 1 तारीख में और भी थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ऐसा कम ज्यादा होता रहता है। ऐसा ग्राफ जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक चला गया और यहां तक चला गया और धड़क से जो एकदम नीचे डाउन हो गया, तो आपको समझ लेना है कि आपके जो सर्च कंसोल में उसमें कुछ इरर क्रिएट हुआ है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि सर्च कंसोल के अंदर आपको और क्या क्या चीजें चेकआउट करना है। और ये जो हल्का सा ब्लू कलर का है ये जो है आपका क्लिक्स है, आपको थोड़ा सा देखना है कि आपका इंप्रेशंस के साथ आपका क्लिक्स में क्या कोई जो यहाँ पे अंतर क्रिएट हो रहा है कि भाई मेरा इंप्रेशंस बहुत ज्यादा जा रही है, क्लिक्स बेहद कम आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप ग्राफ को चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे जितने भी ग्राफ्स मेरे को मैं दिख रहा हूँ मेरे सर्च कंसोल में, ये ओवरऑल जो है सेम टू सेम पैरेलल में ही जा रहा है, ऐसा कभी जो है देखने के लिए नहीं मिला। इसमें थोड़ा सा जो है ग्राफ इंप्रेशंस ज्यादा गया था और क्लिक्स थोड़ा सा कम आया था। तो यहाँ पे एवरेज जो सीटीआर है यहाँ पे 3.3% है, जो कि इंडस्ट्री मार्केट के हिसाब से अच्छा ही चल रहा है। और इससे भी अगर आपका बेहद कम है, जैसे कि आपका 1% भी नहीं है, तो आपको कुछ चेंजेस करनी है आपकी ब्लॉग पोस्ट के टाइटल के अंदर। क्या चेंजेस करना है वो भी ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मैं अगेन चलता हूँ मेरे चेकलिस्ट के अंदर और यहाँ पे पहला चेकलिस्ट में जो है इम्प्रूव सीटीआर, आपको आपके सीटीआर को इम्प्रूव करना है। सीटीआर को इम्प्रूव करने के लिए आपको आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर जाना है, जैसे एग्जाम्पल आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे मैं ऑल पोस्ट के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि मैंने अधिकतर टाइटल जो है, जैसे मैं अगेन इसको व्यू करके आपको दिखाता हूँ, अधिक से अधिक टाइटल आप देख सकते हो 2022 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। तो मैं टाइटल की शुरुआत में कुछ नंबर देना चाहता हूँ ताकि लोगों को क्लिक्स आने की चांसेस बढ़ जाए। जैसे आप लोगों ने मेरे YouTube वीडियोस देख लिए हो, मेरे थंबनेल को देखते हो उसके बाद आप लोगों ने क्लिक कर दिया, लेकिन ब्लॉग पोस्ट में कोई थंबनेल ट्रैफिक के सामने या फिर यूजर के सामने जो है शो नहीं होता है। वो लोग मोस्ट ऑफ द क्लिक्स करते हैं टाइटल को देखने के बाद, राइट। मेटा डाटा या फिर जो टाइटल के नीचे मेटा जो टैग आता है या फिर मेटा डाटा आता है उसको लोग इतना फॉलो नहीं करता है जितना फॉलो करता है टाइटल को। तो टाइटल को इतना अट्रैक्टिव सा बनाओ ताकि लोगों को क्लिक्स करने का चांसेस बहुत बढ़ जाए। हमेशा टाइटल्स के अंदर कुछ काउंट करो नंबर, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी सेलिब्रिटी के बारे में लिख रही हो, ठीक है, तो वहां पे आपने सबसे पहला जो कीवर्ड देंगे ना टाइटल के अंदर वो आप दे दीजिए कि भाई सालाना इतना 1000 करोड़ की रुपया अर्निंग करता है जो फलाना ढिमकाना जो सेलिब्रिटी है उसका नाम दीजिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब आपके टाइटल्स के अंदर ऐसा काउंट होना चाहिए जिस काउंट को देखने के बाद यूजर जिसके सामने वो पोस्ट गया वो डेफिनेटली उसको एक बार क्लिक करके चेकआउट करे। जैसे क्लिक करेगा तो आपका सीटीआर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और ये जितने भी आपने यूएसटी एसईओ कह लीजिए या फिर रैंक मैथ एसईओ कह लीजिए, जितने भी प्लगइन्स आप यूज करते हो उन सारे प्लगइन्स में भी जो आपको ये सजेशन देता है कि आप ब्लॉग पोस्ट में कुछ जो है नंबर वगैरह डाला कीजिए। सो ये था आपका पहला स्टेप्स। और भी कुछ चेक आपको करना है आपके सर्च कंसोल के अंदर, आपको देखना है कि आपकी कवरेज एरिया को एक बार चेकआउट करना है और कवरेज एरिया में कोई एरर तो डिटेक्ट नहीं हुआ है,
कुछ वैलिडेशन करने के लिए जो है अपने, अच्छा ये एरर डिटेक्ट होगा तभी वैलिडेशन मोड में जाएगा, तो कोई एरर डिटेक्ट हुआ तो इस एरर को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको साइड मैप को भी एक बार चेकआउट कर लेना है कि किन किन साइड मैप आपका सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, किन सारे साइड मैप आपका सक्सेसफुली वर्क नहीं कर रही है, इसको भी आपको थोड़ा सा चेकआउट कर लेना है। अगर जैसे कि यहाँ पे गूगल न्यूज का साइड मैप मेरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर मेरे को अभी काम करना पड़ेगा, लेकिन वेब स्टोरीज पेज साइड मैप एंड पोस्ट साइड मैप जो है मेरा अच्छे से वर्क कर रहा है, तो ये अभी जो है अच्छे से वर्क करे, इसको चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे तो उन सारे प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला टूल रहेगा आपका सर्च कंसोल, जिससे आपको आपके डेटा को लेना है, और उसके बाद सर्च कंसोल में और भी कुछ चीजें हैं, मैं बताऊंगा आगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेप नंबर टू, यूज पुश नोटिफिकेशन। देखिए सर्च कंसोल में आपका सारा कुछ चाहिए, आप एक बार एक काम कर सकते हो कि आप पुश नोटिफिकेशन अगेन एंड अगेन आपने यूजर को सेंड कर सकते हो। किस तरीके से, मैं इसका भी डेमो दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे गया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसको मैंने यहाँ से इसको एक बार कॉपी किया और अगेन मैंने पूरा इसको एक बार कॉपी किया। ठीक है, इन दोनों को मैंने कॉपी कर लिया कि मेरे क्लिप बोर्ड में ये दोनों सेव हो गया, और क्योंकि मैं यहाँ से डैशबोर्ड के अंदर घुस जाऊंगा और मेरा जो पुश नोटिफिकेशन है वो परफेक्टिव पुश, इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना के रखा हूँ। और ये जो है बिल्कुल सेल्फ होस्टेड है, आप ही के जो सर्वर है वहाँ पे होस्टेड रहेगा, अदर्स किसी भी थर्ड पार्टी जो कंपनी से उसके सर्वर पे आपका डेटा या फिर आपके यूजर के डेटा होस्टेड नहीं रहेगा, कोई इशू नहीं है। आप परफेक्टिव पुश को यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड है, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसका भी वीडियो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो थंबनेल है इस वीडियो को आपके जाके चेकआउट करना होगा, आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा टोटल यूजर इन परफेक्टिव पुश नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे इकट्ठा हुआ है वो है 1319। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सेंड नोटिफिकेशन करूंगा अगेन, तो मैंने सेंड नोटिफिकेशन पे गया और यहाँ पे हमने टाइटल ले लेंगे, जैसे हमने अभी अभी इसको क्लिपबोर्ड में सेंड कर ली थी, तो ये रहा मेरा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना टाइटल, और कुछ मैसेज आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। अगेन मैं उसी पूरा का पूरा टाइटल को मैसेज के तौर पे डाल देता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करना है और यहाँ पे मेरे को URL डालना है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे क्लिपबोर्ड पे URL है या नहीं। थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मेरा लिंक है। अब उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल करना चाहते हो कि हाँ भाई ये जो शेड्यूल हो जाएगा कल सुबह 10 बजे पब्लिश होगा, तो आप इसको टाइम वगैरह लगा के आप इसको शेड्यूल कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको अभी सेंड करना, तो मैं इसको सेंड कर देता हूँ। और जैसे मैंने सेंड कर दिया, यहाँ पे नोटिफिकेशन जॉब हैज बीन शेड्यूल कुछ टाइम लेता है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर जो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखा देगा कि आपको मैंने सेंड कर दिया हूँ। वेल, अब यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो ग्राफ आपको दिखा रही है ये बता रहा है कि आज की तारीख में आपका कितना नोटिफिकेशन जो है यूजर तक सेंड किया गया है। शायद अभी अभी हम लोगों ने जिसको सेंड किया वो अभी यहाँ पे डेटा ऐड नहीं हुआ है, एक बार पेज को रिफ्रेश करके चेकआउट करते हैं। सो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, इससे पहले मैंने 2 बार किया था और 1 बार मैंने किया, अभी 3 बार काउंट करके आप देख सकते हो 1319 गुना 3 कर लीजिए, यहाँ पे लगभग 3900 से ज्यादा लोगों को ये नोटिफाई कर चुका है, उनमें से फेल्ड जो है 36 हो चुका है। फेल्ड क्यों हुआ है उसके भी समझ लीजिए, फेल्ड इसलिए होता है क्योंकि ये ब्राउजर के कुकीज के ऊपर डिपेंड होता है, किसने ब्राउजर की कुकीज को पूरा क्लियर कर दिया तो उस केस में ये जो है वर्क नहीं कर पाएगा, तो उस केस में ये फेल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस बार इस प्रकार से आप जो नोटिफिकेशन सेंड कीजिए पर डे पर घंटे, आप जो है पर डे बैठ के आप नोटिफिकेशन सेंड कीजिए, तो उनमें कुछ ना कुछ ट्रैफिक तो आपके साइट तक डेफिनेटली आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करके आपको दिखा, तो एनालिटिक्स पे चल के कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखिए जैसे मैंने परफेक्टिव पोस्ट नोटिफिकेशन के थ्रू सेंड किया और यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पे एक ट्रैफिक दिखाई दे रही है। अभी कुछ टाइम के अंदर अंदर यहाँ पे ट्रैफिक, जैसे लोगों ने उसकी मोबाइल की नेटवर्क अभी ऑफ है तो नेटवर्क ऑन करेगा तो उसके ब्राउजर पे जो है नोटिफिकेशन उसके टॉप में दिखाई देगा, तो वो उसको क्लिक कर सकता है। यहाँ पे अगेन देख सकते हो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर ही एक ट्रैफिक है जो कि मेरा परफेक्टिव पुश नोटिफिकेशन के थ्रू आ रही है। अगर आप इसको चेकआउट करते हो ये ट्रैफिक किस सोर्स में काउंट होता है, ये डायरेक्ट सोर्स में काउंट होता है, कोई इशू नहीं है, ये डायरेक्ट सोर्स में काउंट होता है जैसे ईमेल मार्केटिंग वगैरह आप लोग करते हो। चलिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि एक एक स्टेप पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको शायद बोरिंग फील हो रहा है। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हम लोगों को जाना है यूज ईमेल मार्केटिंग। सेम फंडामेंटल्स आपको ईमेल मार्केटिंग करना आता है, तो ईमेल मार्केटिंग कीजिए, ईमेल इकट्ठा कीजिए और यूजर को ईमेल मार्केटिंग कीजिए। ठीक है, इससे आपका एंगेजिंग जो है बढ़ेगा और धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे गूगल का एक फंडामेंटल्स मैंने जैसे दिखाऊं, जैसे मान लीजिए कि आपका एक ट्रैफिक कहीं से आ रहा है, 1000 ट्रैफिक कहां से आ रहे हैं, तो उस 1000 ट्रैफिक के बेसिस पे और भी थोड़ा सा इंप्रेशन जो है ज्यादा नया लोगों तक सेंड किया जाएगा और नया लोग भी फिर भी जो है आके आपके ब्लॉग के साथ जुड़ जाएगा, आपके ब्लॉग पोस्ट के साथ जुड़ जाएगा, आपके वेबसाइट के साथ जुड़ जाएगा। स्टेप नंबर 4 के अंदर आपको जो इंक्रीज सोशल मीडिया एक्टिविटी, वेल तो यहाँ पे मीडिया होना चाहिए था, मैंने इस पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ। सोशल मीडिया एक्टिविटी आपको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देना है। कोई भी सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो, चाहे फेसबुक ग्रुप कह लीजिए, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप कर लीजिए, या फिर चाहे अपने यूट्यूब कह लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे ट्विटर या फिर पिंटरेस्ट, अदर कोई भी सोशल मीडिया आप यूज कर रही हो,
उन सारे सोशल मीडिया पे आप अपना एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ा दीजिए और तेज कीजिए, और उन सोशल मीडिया के जरिए आपके ब्लॉग पोस्ट तक ट्रैफिक लाने की कोशिश कीजिए, और डेफिनेटली आपका ट्रैफिक जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट जो है इंक्रीजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। नंबर 5 के अंदर चलते हैं, यहाँ पे इंक्रीज Q&A प्लेटफॉर्म्स एक्टिविटीज। जो Q&A प्लेटफॉर्म्स है उन सारे प्लेटफॉर्म्स में आप अपने एक्टिविटीज बढ़ा दीजिए, लाइक एज ए कोरा, लाइक एज ए गूगल क्वेश्चन हब। अगर गूगल क्वेश्चन हब की आपको एग्जांपल चाहिए, आप यहाँ पे मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमने गया नया ब्राउजर, सॉरी नया ब्राउजर के नया टैब पे, और यहाँ पे देख रहे हो गूगल क्वेश्चन हब। सो ये रहा गूगल क्वेश्चन हब, और इसको मैंने एक महीने से यूज कर रहा हूँ, और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बना चुका हूँ किस तरीके से आपको यूज करना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, डेफिनेटली मेरे स्टैट्स को देखने के बाद आप उस वीडियो को देखने के लिए जाएंगे। लॉन्च क्वेश्चन हब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एंड देन यू कैन सी माई क्वेश्चन हब डिटेल्स। यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे ग्रांट एक्सेस के अंदर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने टोटल कितना, एक मिनट यहाँ पे मैं आपको अगेन दिखा पाऊंगा। देखिए यहाँ पे टोटल मैं कितना क्वेश्चन का आंसर किया हूँ, 103 क्वेश्चन का मैं आंसर किया हूँ, और उन सारे क्वेश्चन के आंसर में मैंने 12 आर्टिकल सबमिशन किया। और यहाँ पे 12 आर्टिकल सबमिशन करने के बाद गूगल की तरफ से ऑर्गेनिकली सर्च जो इंप्रेशन मेरे को मिला 67,000 यानी 67.2K, और उनके बेसिस पे मेरा क्लिक्स कितना आया है इस एक महीने के अंदर आप देख सकते हो, 5/3/2022, और यहाँ पे लास्ट डेट देख सकते हो 31/3/2022। ठीक है, तो एक महीने भी नहीं, उससे पहले ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को इतना सर्च क्लिक्स मिला है और इतना इंप्रेशन मिला है। तो आप समझ सकते हो कि गूगल क्वेश्चन हब का कितना बड़ा रोल है आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने का, और आपके ब्लॉग की अथॉरिटीज वगैरह भी यहां से बिल्ड होता है यार, अगर आपने सही ढंग से सही तरीके से गूगल क्वेश्चन हब को यूज करते हो। अगर आपको सही तरीके से यूज करना है तो आप जाइए डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कीजिए जिस वीडियो का थंबनेल अभी आप देख रही हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके चेकआउट कीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, यहाँ पे नंबर 6 अपडेट्स योर ब्लॉग पोस्ट। यस, अब आपको ब्लॉग एरिया में आ जाना है, आपकी ओल्ड ब्लॉग पोस्ट को अपडेट करना है, जितनी भी ओल्ड ब्लॉग पोस्ट है जिसके अंदर नया नया डेटा है उसको थोड़ा सा आपको अपडेट करना है। अगर आपने आउटडेटेड डेटा गूगल के अंदर रखते हो तो गूगल इसको कभी भी रैंक भी नहीं कराता है, और यूजर के सामने उस पोस्ट को लेकर भी नहीं आता है। कोई ऐसा आपने डेटा दिए हो जिस डेटा के अंदर अभी चेंजेस हो चुका है, कोई गवर्नमेंटल डेटा आपने शेयर किया हो, लाइक यहाँ पे जो मेरा अच्छी जानकारी .in है, ये मेरा जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अभी सरकारी स्कीम या फिर सरकारी योजना, तो वहां पे कुछ चेंजेस आई है, कुछ डेट के अंदर जो एक्सटेंडेड एक्सपेंड हुआ है और कुछ नंबर्स पे एक्सपेंडेशन हुआ है, तो उन सारे डेटा को हमको यहां पे चेंज करना होगा, क्योंकि गूगल नहीं चाहता है कि आपकी पुराने डेटा और वैल्यूएबल डेटा जो है लोगों तक जाए और लोगों के पास जो गलत इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, तो उस केस में आपकी ब्लॉग पोस्ट को बिल्कुल ही गूगल किसी के सामने नहीं पहुंचाएगा, नहीं सेंड करेगा, और उससे आपको एक भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो आपकी डेटा को, आपकी ब्लॉग पोस्ट की डेटा या फिर ब्लॉग पोस्ट को आपको समय समय पर अपडेट करना है, और इससे देखिए आपका इंप्रेशन अगेन बढ़ेगा और उससे जो ट्रैफिक भी आपको अगेन देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर 7 के अंदर आपको आना है, देखिए यहाँ पे एडिंग मोर इंफोग्राफिक्स इमेजेस वीडियोस इन योर ब्लॉग पोस्ट। यस, आप आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर और भी ज्यादा इंफोग्राफिक्स यूज कीजिए, GIF यूज कीजिए, इमेजेस यूज कीजिए, वीडियोस यूज कीजिए, और आपकी ब्लॉग पोस्ट को और भी थोड़ा सा शानदार बनाइए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, मैं इस पार्ट में अगेन आऊंगा, कहाँ पे मैं किसी जगह यहाँ पे लिस्ट करके रखा हूँ उन पार्ट को, कि आपकी जो पेज एक्सपीरियंस है वो सही रहे। पेज एक्सपीरियंस के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी नंबर 8 के अंदर देखिए, मॉनिटर ट्रैफिक एंड क्रिएट दिस टाइप ऑफ पोस्ट, ये सेक्शन आपके लिए बेहद काम का है। आपके ट्रैफिक को मॉनिटर करना होगा कि किस टाइप ऑफ ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर, आपके ब्लॉग के अंदर, आपके साइट के अंदर आ रही है, और उस टाइप ऑफ पोस्ट आपको पब्लिश करना है ताकि उन सारे लोगों को आप अगेन आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर ला सकते हो। कैसे आप इन सारे ट्रैफिक को मॉनिटर करेंगे, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपकी सेकेंड टूल गूगल एनालिटिक्स के अंदर, और यहां से आपको जाना पड़ेगा ऑडियंस के अंदर, और ऑडियंस के अंदर जाने के बाद यहां पे देख सकते हैं ओवरव्यू का एक ऑप्शन है, यहां पे आपको जाना है, और यहां पे जाने के बाद देखिए यहां पे डेमोग्राफी पे ये जो स्टैट्स आप देख सकते हो, यहां पे 27 मार्च से 2 अप्रैल यानी लास्ट 7 डेज की, और यहां पे हमने देखेंगे कंट्री चूज करेंगे सबसे पहले कि किस कंट्री से ज्यादा ट्रैफिक मेरे साइट के अंदर आ रहा है। सो यहां पे देख सकते हो इंडिया से जो है मेरा ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो मैं उसके बाद यहां पे क्या करूंगा, सिटी चूज करूंगा। तो सिटी चूज करने के बाद यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इंडिया की जो सिटी है वो भाई यहां पे लखनऊ है, इंदौर है, पटना है, जयपुर, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे, मुंबई। तो लखनऊ के अंदर आपको क्लिक करके चेकआउट करना है। अब आपको यहां से चेकआउट करना है कि ये लखनऊ वाला जो लोग है वो आपकी कौन सी ब्लॉग पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा रीड किया है, आप थोड़ा सा डीपली इसको एनालिसिस कर लीजिए। या फिर आपको ये देखना है, अगर आपने गवर्नमेंटल स्कीम के ऊपर काम करी हो जैसे मैं काम कर रहा हूं, तो लखनऊ में अभी ज्यादा से ज्यादा हाइप कौन सा स्कीम या फिर कौन सा योजना अच्छी तरीके से चल रही है, उन सारी चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में देखना है, और लखनऊ
रिलेटेड ही जो लखनऊ, मैं अगेन थोड़ा सा बैक करता हूँ, लखनऊ और कौन कौन सा टाउन था, उन सारे टाउन उन सारे सिटी से रिलेटेड मेरे को जो है पोस्ट लिखना है, ठीक है। सो आई होप कि क्लियर हो चुका है। आप थोड़ा सा और भी डीपली एनालिसिस कर लीजिए आपकी एनालिटिक्स के अंदर, और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन से कंट्री, कौन से सिटी से ज्यादा ट्रैफिक आ रही है और किस कौन से पोस्ट के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ रही है। उस टाइप ऑफ पोस्ट आपको अगेन एंड अगेन जो है पब्लिश करते रहना है। चेकिंग नंबर 9 के अंदर आता हूँ, चेक योर पेज स्पीड इंप्रूव दिस। यस, आपके आपका जो पेज स्पीड है उसको चेक कीजिए एंड उसको अगेन इंप्रूव कीजिए। भाई कहाँ पे आपका क्या गलती हो रही है उसको थोड़ा सा चेकआउट कीजिए और जितना हो सके आप उतना ही जो उसको इंप्रूवमेंट कीजिए, ठीक है। नंबर 10 के अंदर मैं अगेन आता हूँ और यहाँ पे देखिए, वर्क ऑन पेज एक्सपीरियंस एंड कोड वेब वाइटल्स। यस, पेज एक्सपीरियंस एंड कोड वेब वाइटल्स के अंदर आपको काम करना है, इसका बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अगेन आपको एक बार लेके जाऊंगा मेरे सर्च कंसोल के अंदर और यहाँ पे पेज एक्सपीरियंस के अंदर मैं लेके जाऊंगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मोबाइल में मेरा 0% गुड URLs है और इस वजह से यहाँ पे कोई अलग से इंप्रेशन मेरे को नहीं मिला है। जो इंप्रेशन मिल रही है वो सर्च कंसोल की यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसका रिजल्ट मेरे को दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आपका पेज एक्सपीरियंस अच्छा होगा मोबाइल में भी ना, तो आपको अलग से एक इंप्रेशन मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो डेस्कटॉप पे मेरा पेज एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है अच्छा था और यहाँ पे डाउन हो गया था, अगेन मैंने इसको सुधार लिया तो अगेन देख सकते हैं ये ब्लू डॉट जा रहा है, ये मेरे को एक अलग से इंप्रेशन दे रही है मेरे डेस्कटॉप पे परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए, पेज एक्सपीरियंस अच्छा होने के लिए, ठीक है। अगर मैं मोबाइल पे भी पेज एक्सपीरियंस को सुधार कर पाऊं तो मेरे को और भी अलग से जो इंप्रेशन मिलना शुरू हो जाएगा और इससे अगेन मेरे साइट के अंदर ट्रैफिक बढ़ने का चांसेस, हम लोगों का जो मेन लक्ष्य है कि हमारे साइट के अंदर ट्रैफिक लाना, वो जो है और भी ज्यादा इंक्रीजमेंट हो जाएगा, ट्रैफिक जो है और भी ज्यादा आने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि भाई क्या है, किस तरीके से आप पेज एक्सपीरियंस को सुधार कर सकते हो, तो इसका एक कंप्लीट डिटेल वीडियोस है, उस वीडियो को अगेन मैं थंबनेल दिखा रहा हूं, इस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे वीडियो है उसको जाके चेकआउट कीजिए और उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई इसको क्या करना है। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से, छोटा सा मैं ब्रीफली जो यहां पे आपको बताता हूं कि कैसे करना चाहिए आपको। जैसे अगेन मैं मेरे पोस्ट के अंदर चलता हूं, ऑल पोस्ट के अंदर चलता हूं और मैं ऑल पोस्ट के अंदर जाने के बाद यहां पे देखिए ये जो पोस्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो इसको मैं व्यू करता हूं, ठीक है। इसको व्यू करने के बाद देखिए मैं शुरुआत में कोई सा भी थंबनेल नहीं दिया हूं और टाइटल के नीचे भी थंबनेल नहीं है। उसके बाद यहां पे पैरा नंबर 1, 2, 3, 4 चार नंबर पैरा के बाद मैंने एक मेरा थंबनेल या फिर इमेजेस ऐड किया हूं। इस चीज को ध्यान रखना है कि आपका वेबसाइट मोबाइल पे जब ओपन हो रही है, जो पहला जो पार्ट ओपन हो रही है, ठीक है, मोबाइल ब्राउजर का मान लीजिए कि स्क्रीन इतना सा है, तो ऐसा नहीं कि आपका पोस्ट इतना लंबा है तो इतना छोटा सा स्क्रीन के अंदर आ जाएगा, तो वो शुरुआत की कुछ सेक्शन, कुछ पार्ट्स, कुछ एलिमेंट्स जो है उनके ब्राउजर पे रेंडर होगा, तो शुरुआती जो एलिमेंट्स है आपकी ब्लॉग पोस्ट की उसके अंदर इमेजेस नहीं आना चाहिए। उसके अंदर अगर इमेजेस आएगा तो आपकी पेज एक्सपीरियंस को खराब करेगा, ठीक है, आपकी कोर वाइटल्स को खराब करेगा, तो इसको कहते हैं अबव फोल्ट ऑफ द कंटेंट, ठीक है। तो आपकी कंटेंट मान लीजिए इतना सा लंबा है लेकिन ब्राउजर पे तो शुरुआती कुछ एलिमेंट्स आएगा ना, तो जो शुरुआती एलिमेंट्स ब्राउजर पे आ रहा है उन जगह के अंदर आपकी इमेजेस को नहीं होना चाहिए, इमेजेस आप इस जगह लगाइए, जैसे लोगों ने स्क्रॉल करेगा वो फिर से अलग से रेंडर होगा इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह, तो उस टाइम कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम उसके ब्राउजर पे ये छोटा सा पार्ट जो है, ये जो फोल्ड या फिर एलिमेंट जो उनके ब्राउजर पे रेंडर हो रही है, उस एरिया में आपका इमेजेस नहीं रखना है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे यहां पे अगेन चलता हूं नंबर 11 के ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इंटरलिंकिंग इन राइट वे एंड कंसिस्टेंस। यस, आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो ब्लॉग पोस्ट अच्छे से चल रहा है, जो ब्लॉग पोस्ट यानी कि मेरे कहने का मतलब जो ब्लॉग पोस्ट पे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, उन ब्लॉग पोस्ट के साथ अदर ब्लॉग पोस्ट को एक वेल नोन तरीके से इंटरलिंकिंग कीजिए और इसको कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। जैसे मान लीजिए आज आपने 3 इंटरलिंकिंग किया तो कल भी 3 कीजिए, परसों भी 3 कीजिए, आप बैठे रहिए, आप ब्लॉग के साथ टच में रहिए, आप ब्लॉग को ओपन करके रखिए हमें, उसको चेकआउट कीजिए, उसको देखिए सर्च कंसोल में क्या हो रही है, एनालिटिक्स में क्या हो रही है। जब आपकी ब्लॉग एक जगह ले लेगा ना, तब आपका उतना टेंशन की बात नहीं है कि भाई आप महीने में लाख में खेलोगे, तो उस केस में आप सोचोगे कि भाई कुछ महीने लाख आ रही है तो कुछ महीने 1.5 लाख आ रही है तो कुछ महीने 1.4 लाख आ रही है, तो इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अब शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा सा नजर देना होगा इसके ऊपर। वेल, अब बात करते हैं नंबर 12 के अंदर, बिल्ड मोर बैकलिंक्स। यस, अगर ब्लॉग जो है रैंक करना घट रही है, रैंक घट रही है, ट्रैफिक कम हो रही है, तो आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना है कि आपको मोर बैकलिंक्स बनाना है। अब बैकलिंक्स बनाना है इसका मतलब ये नहीं कि बैकलिंक्स तो बच्चों जैसा खेल है कि हम गए और बन गया, बट बैकलिंक्स आपको बनाना है, स्ट्रेटेजी, सही स्ट्रेटेजी आपको ढूंढना है, आपको ढूंढ के निकलना है। बैकलिंक सीरीज मेरा चल रही है, अगर आपने नहीं देखा है, 2 वीडियोज मैंने पावरफुल वीडियोज डाल चुका हूं,
अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर जो है अभी धड़ल्ले से वीडियोस आने वाला है, बहुत अच्छा ही अच्छा अच्छा वीडियोस जो उसके अंदर आने वाला है। सो डू फॉलो नो फॉलो या फिर कॉमेंट बैकलिंक्स, किसी प्रकार से आप बैकलिंक्स बनाइए, बट ख्याल रखिए जहां से आप बैकलिंक्स बना रही हो उस साइट का स्पैम स्कोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्पैम स्कोर है, या फिर वो कंटेंट किस टाइप आप डालिए, कोई सेक्सुअल कंटेंट, कुछ एडल्ट कंटेंट, कुछ अदर्स कंटेंट डालिए, तो उस टाइप ऑफ वेबसाइट से जो आपको बिल्कुल ही बैकलिंक्स नहीं लेना है। बात करते हैं एंड ऑफ द पॉइंट्स की, और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिश ब्लॉग पोस्ट कंसिस्टेंटली, यस, एज पर योर नीच। आप आपके नीच के हिसाब से ब्लॉग पोस्ट कंसिस्टेंटली कीजिए। नीच के हिसाब से मैं इसलिए बता रहा हूं, मान लीजिए कि आपका ऐसा नीच है कि आप हफ्ते में दो पोस्ट डालते हो, तो आप हफ्ते में जिस दिन डाल दियो, जिस टाइम डाल दियो, उसी दिन उसी टाइम को आप मेंटेन करके चलिए। अगर आप चाहते हो कि आपका साइट बड़ा हो गया, आपका टीम बड़ा हो गया, तो उस केस में आपने पर डे डाल दियो, तो पर डे किस टाइम डाल दियो, एक ब्लॉग पोस्ट डाल दियो तो उसी टाइम को मेंटेन करो, पर डे पांच डाल दियो तो पांच किस किस टाइम पे डालियो उस टाइम को मेंटेन करो, यानी कंसिस्टेंट रहो और उसके अगेंस्ट गूगल आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। और कुछ ऐसा सेटिंग नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूं कि कुछ ऐसा सेटिंग नहीं है जिसको आप इधर उधर कर देंगे, या फिर यही जो एंड ऑफ द पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे जो 13 सेक्शन मैंने बताया हूं। हाँ, अगर आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट चाहते हो तो इस पेज का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, वेल थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। अब यहाँ पे यहां से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो 13 चेकलिस्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इन 13 चेकलिस्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको लाखों में ट्रैफिक मिल जाएगा, लेकिन हाँ, इन 13 चेकलिस्ट को आप सही से फॉलो कर सकते हो ना, तो आपको ट्रैफिक में आपका इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा और भी शायद कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी मेरे माइंड में नहीं है, अभी मेरे दिमाग से हट गया है। अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई इस सेक्शन के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, या फिर मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा कि भाई इन सेक्शन को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ। यार मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। बाय।